पत्ता गोभी जिसको हम लोग कैबेज बोलते हैं अंग्रेजी में और मेडिकल नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, ये एक बहुत उम्दा खाना है जो वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया है, जिनको भी वजन कम करना है, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम है, इसलिए हम लोग जो भी वेट कम करना चाहते हैं उनको बोलते हैं भर के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइबर इसमें अच्छा होता है, 22 कैलोरी होता है, याद रखिएगा 22 कैलोरी पर 100 ग्राम अगर आप खाएंगे। सबसे बढ़िया इस सब्जी का अच्छा ही है कि इसका कॉस्ट बहुत कम है। मैं खुद कभी कभी बाजार जाता हूँ जब हम लोग खरीदते हैं मास स्केल में तब, और मैंने देखा है ये बहुत सस्ता होता है और हर जगह मिल जाता है, और अब तो राउंड द ईयर मिलने लग गई है। इसमें फाइबर होता है 2 ग्राम के करीब, और इसमें प्रोटीन बहुत कम होती है, प्रोटीन के हिसाब से इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम है, फोलिक एसिड है, विटामिन के है, और कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, ये सब इसमें काफ़ी परिमाण में होता है। पेट भर जाता है तो सलाद का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। स्टफिंग करके पत्ता गोभी का पराठा खाया जा सकता है, और इसकी सब्जी भी बनती है। तो पत्ता गोभी तो हर जगह थोड़ा थोड़ा ऐड किया जा सकता है, मिक्स वेजिटेबल में पत्ता गोभी ऐड किया जाता है। तो पत्ता गोभी का फायदा और क्या क्या हो सकता है? एक तो ये बीमारी को रोकने का, हमारी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हार्ट के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें पोटेशियम है, इसमें फाइबर बहुत अच्छा है। ब्रेन के लिए ये हेल्प करता है, ब्रेन की डिजनरेशन को रोकता है, कैंसर को प्रोटेक्शन में भी फायदा करता है, हमारे आँख की जो पावर है उसको भी ठीक रखता है, तो पत्ता गोभी उसके लिए भी फायदा है। और हमारी शुगर कंट्रोल में बड़ा मदद करता है, जिनको डायबिटीज़ है उनको शुगर की बीमारी है, जिनको पत्ता गोभी काफ़ी फायदा करता है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है, उससे बहुत फायदा होता है। बस पत्ता गोभी आप जितना मर्जी खा सकते हैं। फिर एक दो प्रिकॉशन है, कुछ लोगों को पत्ता गोभी से एलर्जी हो तो ना खाएं, कुछ लोग पत्ता गोभी खाने से गैस का प्रॉब्लम आता है तो उनको भी सोच के खाना है, उसको उबाल के खा सकते हैं। एक बात और बता दूं, जो खून ज़्यादा पतला जिनको ज़रूरत है, हम लोग कुछ हार्ट के पेशेंट्स को ज़्यादा जिसको वैल्व की प्रॉब्लम है उनको वॉरफेरिन करके दवाई देते हैं, खून पतला करने का दवाई देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जब भी आप पत्ता गोभी लेंगे तो ये वॉरफेरिन के संग इंटरेक्ट करता है, तो अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए मैं पत्ता गोभी लूँ या नहीं लूँ। और एक आदमी को ऊपर जिनको एस्पिरिन और क्लोपिडोर लेते हैं उनको हम लोग प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हाई डोज ऑफ ब्लड पतला करने की दवाई देते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। एक बात और आपको बता दूं, थायराइड की जो दवाइयाँ लेते हैं उनको हम लोग पत्ता गोभी कम करने बोलते हैं, जो जो लोग थायराइड का दवाई ले रहे हैं, क्योंकि पत्ता गोभी थायराइड की दवाई की एब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम करता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो भी थायराइड के पेशेंट है ऑन मेडिसिन उनको पत्ता गोभी कम लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आप थायराइड के पेशेंट नहीं है तो पत्ता गोभी बिंदास खाइए, पत्ता गोभी से वजन बहुत कम करिए, और अच्छा है, पेट भर जाता है और भूख नहीं लगता है, तो नेचुरली वजन कम करने में मदद करता है, और नेचुरल फूड है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो आप जरूर पत्ता गोभी खाइए। आज के लिए विदा लेता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है, हार्ट का एक हम लोग सीरीज ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम पूरे इंडिया भर में रन कर रहे हैं, और हमारे यूट्यूब में भी बहुत सारे हार्ट के लेक्चर्स हैं, आप जरूर उसको सुनिए, उसमें से सबसे पॉपुलर लेक्चर को सुनिए जिसका नाम है मोस्ट पॉपुलर लेक्चर ऑफ डॉक्टर विमल छाजेड, तो वो आपके लिए कभी भी हार्ट की बीमारी का समझ लीजिए कंप्लीट एजुकेशन से आप हार्ट की बीमारी को हर वक्त रोकने का मदद पाएंगे आप, तो जरूर हमारे को आप फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।